न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत बुधवार शाम को ऑर्थर रोड जेल से ही रिहा हुए और उसके बाद वो भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए सिद्ध विनायक मंदिर गए और राउत ने साथ ही उनके भाई विधायक सुनील राउत और पार्टी के कई नेता मौजूद थे। और वहीं राउत के बाहर निकलने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि टाइगर वापस लौट आया है। संजय राउत ने दक्षिण मुंबई में एक हनुमान मंदिर और शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे स्मारक का भी दौरा किया और राउत को शाम करीब 6:50 पर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन वो रात करीब 10:30 पर नाहूर में मौजूद अपने आवास पहुंच पाए और शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत के बंगले को लाइटिंग से सजाया गया था और उनके सैकड़ों समर्थक स्वागत के लिए उनके घर के बाहर जमा हुए और जमकर पटाखे जलाए गए। और इसके साथ ही इस दौरान डीजे पर गाने भी बजाए गए थे और 60 वर्षीय राज्यसभा सांसद को 1 अगस्त को ईडी ने गोरे गांव में एक आवासीय परियोजना से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। और वही राउत के लिए जेल के बाहर लोग स्वागत के लिए खड़े रहे। शक्ति प्रदर्शन में शिवसेना के ही सैकड़ों कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर मध्य मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के बाहर जमा हो गए थे और राउत की रिहाई के इंतजार में पार्टी कार्यकर्ताओं की कारों की लंबी कतार लगी रही। और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में 3 महीने रहने के बाद जब संजय राउत जेल से बाहर निकले, शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने राउत के साथ साथ पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में नारेबाजी भी की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया और ढोल नगाड़े भी बजाए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसके तहत 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटढोड़िया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और वही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को भी टिकट दिया गया है और इनके अलावा मांडली से ही अनिरुद्ध भाई और अंजार से विक्रम भाई और गांधी धाम से ही मालती बेन और मोरबी से कांतिलाल और इसके साथ ही आपको बता दें कि कालवाड़ से ही वेगजी भाई को टिकट दिया गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं जामनगर ग्रामीण से राघव जी महुआ के शिवा भाई और इसके साथ ही जेतपुर से ही जयेश भाई ताल ठोकेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ काजोल नारायण संवाददाता जुड़ चुकी है। काजोल, जिस तरह से पता चल रहा है बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल सुमन, देखा जाए तो चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा हुआ है। गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि आखिर बीजेपी किस तरह से आगे प्लानिंग कर रही है। भाजपा ने घाटलोडिया विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं मोरबी सीट से कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। इससे समझा जा सकता है कि दोनों ही सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो दोनों दावेदार यहाँ पर रखे गए हैं वो कितने ज्यादा बड़े चेहरे हैं। मोरबी सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मोरबी में जो हादसा हुआ था उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा था, इसलिए मोरबी को बचाने की पूरी कोशिश और पूरा जिम्मा जो है वो कांतिलाल अमृतिया को दिया गया है। अब यह बात कर रही थी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है क्योंकि रविंद्र जडेजा एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में और जिस तरह से उन पर यहाँ पर विश्वास जताया गया उनकी पत्नी पर, उम्मीद है कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी जो है वो खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हार्दिक पटेल की हम बात करें तो वीरगमा सीट से पहली बार कोई चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, वो भी बड़ा चेहरा है। और भाजपा की पहली सूची में देखा जाए सुमन तो 14 महिलाओं को टिकट मिला है। अंदाजा आप लगा सकती हैं कि महिलाओं पर कितना ज्यादा विश्वास बीजेपी जता रही है। वहीं 59 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है जिनमें से पहले 99 हुआ करते थे, यानी कि 30 लोगों का टिकट कट गया है। जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया या हो सकता है कि जिन लोगों की अच्छी नहीं बन पा रही है उनके टिकट काट दिए गए हैं। राजकोट पश्चिम की हम बात करें तो विजय रूपाणी यहाँ से चुनाव लड़ते थे लेकिन उनका भी टिकट यहाँ से कटा है। डॉक्टर दशिता शाह को टिकट मिला है। पत्नी रिबाबा को
जामनगर नॉर्थ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा और वोटिंग के लिए इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल सुमन, देखा जाए तो देखिए रविंद्र जडेजा एक बड़ा नाम अपने आप में है क्रिकेट की दुनिया में। उनकी पत्नी अगर जामनगर नॉर्थ से टिकट उन्हें दिया गया है, वो मैदान में है, तो उसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जितना प्यार रविंद्र जडेजा को मिलता है देश से, गुजरात से, उतना प्यार उनकी पत्नी को भी, जो गुजरात की जनता है, जामनगर की जो जनता है, वो कहीं ना कहीं दे सकती है। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि जामनगर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर एक बड़ी जनसभा की थी। तो जामनगर के दिल में तो पहले से ही बीजेपी बसी हुई, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है और एक के बाद एक फ्री की जो राजनीति आम आदमी पार्टी की हो रही है कि हम फ्री में ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे, तो उसका असर कितना पड़ेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन रविंद्र जडेजा एक बड़ा नाम और एक बड़ी पकड़ जो जामनगर में उनकी है, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को तो बहुत बड़ा फायदा होगा। कि जनता किसको पसंद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अब जल्द ही श्रीनगर के गुप्तकर रोड पर ही 8 कमरों वाले बंगले फेयर व्यू गेस्ट हाउस को छोड़ना होगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रशासन के बीच अभी तक नए घर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है और बागों से घिरा फेयर व्यू गेस्ट हाउस महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को ही 2005 में आमंत्रित किया गया था और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में सीएम के रूप में 3 साल पूरे किए थे। महबूबा मुफ्ती ने अप्रैल 2016 और जून 2018 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में ही अपने कार्यकाल के दौरान वहां रहना जारी रखा। बाद में प्रेस ब्रीफ के पार्टी की बैठकों के लिए एक सम्मेलन कक्ष को भी विशाल लॉन में जोड़ा गया। महबूबा को ही जून 2018 में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी आवास पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब महबूबा के पास कोई संवैधानिक पद नहीं होने के कारण प्रशासन चाहता है कि वो घर खाली कर दे और 15 अक्टूबर को उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के संपदा विभाग ने घर खाली करने के लिए एक नोटिस भी भेज दिया है और 10 दिन बाद भेजे गए एक दूसरे नोटिस में कहा गया है कि वो एक अनधिकृत कब्जा है और अब वे पूर्व मुख्यमंत्री की क्षमता में सरकारी आवास को बनाए रखने की हकदार नहीं है और उन्हें घर छोड़ने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर महबूबा ने ये तर्क देने की कोशिश की कि उन्हें गुप्तकर रोड आवास सुरक्षा के आवास पर प्रदान किया गया था, ना कि मुख्यमंत्री के नामित निवास के रूप में। और उधर प्रशासन ने उनके तर्क को ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि सरकार उन्हें एक वैकल्पिक आवास देने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती अब तक प्रशासन के एक घर को ठुकरा चुकी हैं और वहीं प्रशासन ने उन्हें M5 तुलसी बाग में एक VIP बंगला दिखाया है जहां वो पिछले शनिवार को गई भी थी और इस घर में उन्होंने रुचि व्यक्त की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है और पार्टी की ओर से क्या कहा गया है, श्रीनगर के बाहरी अगर इलाके नौगाम में मुफ्ती के परिवार के घर को जिन्होंने पहले ही खारिज कर दिया है क्योंकि उनके विस्तारित परिवार के सदस्य वहां रहते हैं। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि मुफ्ती को आवंटित VIP बंगला PDP प्रमुख के रूप में ही मिलने वाले विजिटर्स की संख्या के कारण खराब और अनुपयुक्त था। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं उत्तराखंड से। आपको बता दें दानिश, जिस तरह से पूरा मामला है, महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है, पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल उत्तर इसको लेकर किसान चली थी तो पूर्व के अधिकार में जो रहे ये बंगला अनुसार है तो कश्मीर की तरफ और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए उनको 2 बंगले दिखाए गए, जिनमें उनको एक बंगला उनको अच्छा था समझ आया लेकिन उनके तहत नहीं बन पाई, दूसरा बंगला उनकी मुक्ति नहीं था। इसको हमारे खारिज कर दिया है और वो मुक्ति ये भी बात नंबर तक समय था काल का दर्शन के लिए और आज चुकी है
दानिश आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से पता चल रहा है बहन के घर जा रही हूं, ऐसा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती अब तक प्रशासन के एक घर को ठुकरा चुकी हैं, वहीं प्रशासन ने उन्हें M5 तुलसी बाग में एक VIP बंगला दिखाया है जहां वो पिछले शनिवार को गई भी थी। ये भी बताया जा रहा है कि वो बंगला महबूबा मुफ्ती देखने के लिए गई थी और इस घर में उन्होंने रुचि व्यक्त की है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है। पार्टी की ओर से क्या कहा गया है, श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगांव में महबूबा मुफ्ती के परिवार के घर को उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया है। दानिश वारसी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से पता चल रहा है महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्या अपडेट है अभी? दानिश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल मेरे भाई आ गए आपके चाहिए ये दिल्ली की मुख्यमंत्री इससे तो अलग किस्तार है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसलिए जिस बंगले में रही है वो संवैधानिक अधिकार इनको नहीं, बंगला अनाधिकृत इनको प्रशासन। जी दानिश, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोलन जिले के ही कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जनसभा करेंगे। वे यहां बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव सैजल के पक्ष में ही वोट मांगेंगे। अनुराग ठाकुर गुरुवार को 2 जनसभाएं करने वाले हैं और धर्मपुर से पहले वे शिमला ग्रामीण के जलोल में ही जनसभा करेंगे और कसौली के ही धर्मपुर में दूसरी जनसभा होगी। वे हेलीकॉप्टर से पाइन ग्रोव स्कूल में ही लैंड करेंगे और इसके बाद अनुराग ठाकुर की सोलन जिले में खासी लोकप्रियता मानी जाती है, खासकर युवाओं में उनका क्रेज देखने को मिलता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कसौली के धर्मपुर में प्रचार के आखिरी दिन उनकी जनसभा करवाई जा रही है और इस दौरान वे डबल इंजन सरकार से लोगों को मिलने वाले लाभ को प्रचारित करेंगे और साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व पर भी निशाना लगाकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। बीजेपी लगातार कांग्रेस की गारंटियों पर ही निशाना साधते हुए इसे मात्र घोषणाएं करार दे रही है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है और आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर इंतजार था कि पार्टी किसे वहां से उम्मीदवार बनाती है। हालांकि सपा ने तमाम लग रहे कयासों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को डिंपल के नाम का ऐलान कर दिया और मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए तेज प्रताप यादव और शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव का नाम भी चर्चाओं में था। और इसी खबर पर मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से पता चल रहा है कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव का नाम सामने आया है, क्या है पूरी अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट में पड़ने वाली करण विधानसभा सीट से विधायक भी है इनके पति अखिलेश यादव। जी आपको बता दें, कई नाम की चर्चाएं चल रही थी कि सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही थी, तेज प्रताप यादव का भी नाम आ रहा था, शिवपाल यादव का भी नाम आ रहा था। हालांकि आज मोहर लग गई है कि डिंपल यादव ही मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। जी अरुण, जिस तरह से पता चल रहा है कि डिंपल यादव का नाम सामने आया है, उसके बाद राजनीति में कितनी गर्माइश देखने को मिलेगी, क्योंकि यह पारिवारिक मामला हो जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। वह मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद थे, इसी कारण अब इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर 1992 को नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और 1996 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। सपा के गठन के बाद इस सीट पर अन्य किसी दल को जीत नहीं मिली, इसलिए मैनपुरी को सपा का गढ़ कहा जाता है।
हर दल ने सपा को गढ़ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता किसी के हाथ नहीं लगी। अब नेताजी नहीं है, उनके बिना ही उनकी कर्मभूमि पर चुनाव होगा। विरोधी दल नेताजी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सपा भी नेताजी की त्रासद वाली सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरी है। समाजवादी पार्टी मतदाताओं की सहानुभूति नेताजी की यादों के सारे इस चुनाव में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरह से मैनपुरी को सपा का गढ़ कहा जाता है और उन्हीं के परिवार से, सपा के परिवार से ही अब जो आ रही है सामने, मुलायम सिंह के निधन के बाद जो सीट उनको मिली है और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से जो इसका असर देखने को मिलेगा बीजेपी पे डिंपल यादव को लेकर। जी देखिए, अभी तक तो बीजेपी ने हालांकि अपना प्रत्याशी अभी कोई घोषित नहीं, जहां तक कि सूत्रों के हवाले से कई खबरें आ रही हैं कि इटावा के जो पूर्व सांसद हैं रघुराज साक, उनका भी नाम आ रहा है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने अपना पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर दल ने सपा को गढ़ तोड़ने की कोशिश की है। जी जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी अपडेट के लिए। उत्तराखंड में बीते महीने हुए अंकिता भंडारी सनसनीखेज मर्डर केस की तफ्तीश की गति इन दिनों धीमी हो गई है। यही वजह है कि अभी तक संबंधित मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो सकी है। जब तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होती और उसको लेकर जांच एजेंसी द्वारा दाखिल नहीं की जाएगी, तब तक मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हो सकेगा। अंकिता भंडारी कांड में न्याय पाने के लिए हालांकि अंकिता के माता पिता नैनीताल हाईकोर्ट की देहरी पर ही जा पहुंचे और इसके बाद ही बीते दिनों उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया था कि उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। उनका आरोप ये भी था कि घटनास्थल पर तमाम सबूत भी मिटाए जा चुके हैं और इसके बाद भी जांच एजेंसी करवट लेने को राजी नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे अंकिता के बेबस माता पिता साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, जिस तरह से पूरी अपडेट है अंकिता भंडारी, पूरा केस विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल सुमन, मैं आपको बता दूं, जो ये उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड का जो मामला है, ये पौड़ी जनपद से नहीं पूरे विश्व में जो ये सुर्खियां बदल चुका है। ये मामला जो है कि क्योंकि हाई प्रोफेस मामला है, ये राज्य मंत्री विनोद आर्य का जो पुत्र है पुलकित आर्य, इसके साथ जो घटना घटी थी, पुलकित आर्य की जो घटना घटी थी और अंकिता भंडारी के साथ जिनकी हत्या कर दी गई थी, वही बात करेंगे। मामला तो नैनीताल में गया, तो नैनीताल के बाद यहाँ पे जो की याचिका करने वाले थे उनको आज कोर्ट ले गई और उनके माता पिता और तमाम साथ नैनीताल कोर्ट गए थे, जिसके पास वहाँ पे उनकी पैरवी की गई। वही बात करें तो ने साफ कहा है, ऐसा है कि अभी तक भी कोर्ट के पास साफ अपना जो साबित नहीं कर पाई है कि क्या मामला था, क्या था उसमें। कहीं तो यहाँ से देखने को मिला है कि कहीं जो कि बताया जाए कि कहीं अधिकारियों को तलबदल भी हो गया था, खुद में इसमें जिला अधिकारी विजय कुमार जोगेंद्र का भी तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, एसएसपी अशोक सिंह चौहान का ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद यहाँ पे एसएसपी जो यहाँ पे श्वेता चौबे आई है और जिस दिन के बाद यहाँ पे ये मामला और ज्यादा गरमाया जाए, क्योंकि पुलकित आर्य की फैक्ट्री पर जो उसकी पुलकित आर्य की पत्नी है उसकी जो कंपनी में आग लग जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो पीड़ित के परिवार का कहना यही है कि यहाँ पे जिस तरह से ये सबूत मिटाने का जो काम कर रही है पुलकित आर्य की टीम या उनके परिवार वाले, ये कौन कर रहा है, क्यों नहीं ऐसा की इस पर ध्यान देती है और ऐसा की इस पर क्यों नहीं सवालों से वही कहना है। पुलकित आर्य के पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, मैं ये समझता हूँ कि लगातार पुलकित आर्य के पिता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन जहाँ तक की बात करें तो वही उस अंकिता भंडारी के पिता और अंकिता के माता वो नैनीताल हाईकोर्ट तक जा चुके हैं और अभी तक भी उनका यही कहना है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि किरण नेगी को जिस तरह से किरण को न्याय नहीं मिल पाया, उनके दोषियों को बरी किया जा रहा है और उनको वो किया जा रहा है, तो उनका यही कहना है। मनोबल यहाँ पे तमाम सभी लोगों का भरोसा टूट रहा है कि कहीं अंकिता भंडारी को भी न्याय ना मिल पाए और क्या लोग करेंगे। लेकिन वही बात करें, याचिका केस में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जो मामला है वो लगातार ऐसे खींचा जा रहा है और इसके साथ ही जो इसमें दाखिल अभी तक जो चार्जशीट है वो दाखिल नहीं हो पाई है, तो अंकिता को आखिर न्याय कब मिलेगा? बिल्कुल सुमन, मेरा वही कहना है कि जब तक अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है तो अंकिता भंडारी को कहां से न्याय मिलेगा। यही बात करता हूं और वही बात करें अंकिता भंडारी के पिता, अंकिता के भाई और अंकिता के माता, उनका अभी यही कहना है, रो रो के उनका अभी भी बुरा हाल है कि इनका यही कहना है कि हमें नहीं लगता है कि मेरी बेटी को न्याय मिल पाएगा और इसके लिए वो सब कह रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार शासन
प्रशासन और जो यहाँ के वर्तमान की सरकार, और उनका यही कहना है कि आने वाले टाइम तक इससे उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए तमाम सभी संगठन और आफसोस ने साफ कहा है जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाता तब तक हम यूं बैठे रहेंगे। राज आंदोलनकारी से लेकर तमाम सभी लोगों का कहना है। और वही बात करें तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे अंकिता भंडारी का जो मामला जो प्रकरण है ये बड़ा हाई प्रोसेस बन चुका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट से उनको शरण तो जिस तरह अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाता है या जिस तरह किरण बेदी के साथ रहेगा कि अंकिता भंडारी को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए सम्मान लेने से मना कर दिया है। और इस दौरान वही राजा जानकारी शकुंतला राणा और इसके साथ ही मंच पर बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। फिर राज्य आंदोलनकारी सुरेश नोटियाल, लीला रुंडियाल और इसके साथ ही हरीश बर्थवाल और मुकेश चमोली, ध्रुव बंगवाल आदि का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ राजा नौलल कार्यों को बुलाया गया लेकिन कार्यक्रम में उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया और कहा कि कार्यक्रम के अंत में उनको सामूहिक रूप से बुलाकर केवल फोटो खिंचवाई गई है जिस पर राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंची है और कहा कि उचित सम्मान नहीं मिलने पर कुछ आंदोलनकारियों ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, जिस तरह से स्थापना दिवस पर ये सम्मान ना देने का मामला सामने आया है, पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल सुमन, मैं आपको बता दूं, पौड़ी गढ़वाल मंडल मुख्यालय है और मंडल मुख्यालय से यहाँ से गढ़वाल मंडल का मुख्यालय चलता है। और वही बात करें तो आप उत्तराखंड स्वच्छ दिवस का 22 साल पूरा हो चुके हैं, 2200 चल रहा है। वही राज्य आंगनबाड़ी जो प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष है, जो यहाँ के जो आंगनबाड़ी के उसके बात कीजिए राज्य आंगनबाड़ियों की, उनका साफ कहा विरोध किया है उन्होंने कि जिस तरह का सम्मान राज्य आंगनबाड़ियों को मिलना था उस तरह के राज्य आंगनबाड़ियों को यहाँ पे नहीं मिला। वही बात करें महेंद्र असवाल का भी कहना है कि हमने उत्तराखंड इसलिए बना था कि जिससे उत्तराखंड की भविष्य को और उत्तराखंड नौजहानों का और उत्तराखंड से सही मिला, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार की बात ये सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार इनके सरकार में हो रहा है और अकम सिंह इनके सरकार में जेल जा चुके हैं, तमाम कई नेता ऐसे जेल जा चुके हैं, लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार की बात मुक्त भारत की बात करती है, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो जिस तरह से शहीदों को सम्मान करती है और जो आज राज्य आंदोलनकारी को सम्मान करती है इसे नहीं लगता है। वही अपने बात करूं मैं तो यहाँ पे लीला ढोंडियाल क्योंकि जिला अध्यक्ष उसने साफ कहना है कि सम्मान से हमारे खाली राणा मंच पर बेहोश हो गई थी। बिल्कुल मैं सुमन आपको बताऊं वो चीज आप जो हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर सबसे ज्यादा स्कूल तस्वीर है कि शकुंतला राणा को जब बहुत हो गई थी उसके बाद उनको देखा गया। खुद स्वयं मैंने उनको जिला प्रशासन को बताया गया कि राजा मोहनकारी अंदर बेहोश हो गई है, आप उसको टीम तत्काल वहां पे जो लोग कुछ लोग थे उन्होंने मदद करी और एक वहां पे डॉक्टर लोग जो प्रोटोकॉल जो चंदन दास के साथ जो प्रोटोकॉल में 108 के कर्मी होते हैं उनको साथ में लेके और उनको साथ तो लेके बाद में उनको एक उनके जो स्वास्थ्य विभाग ने उनको जांच करी और कहा कि बेहोशी होने के कारण उनका अटैक उनका ये भी हो सकता है। उनका साथ शकुंतला राणा ने कहा जब तक ये सरकार इस तरह से राज्य आंदोलनकारी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी तब तक ये सरकार ऐसी रहेगी और इन सरकार से उम्मीद है कि आप जान जाए, नहीं तो जिस दिन उत्तराखंड बना था उसी दिन के बाद अगर राज्य आंदोलनकारी आप जान जाएंगे तो भाजपा को एक इसके लिए खड़ा झेलना पड़ेगा। जी भगवान सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी की अपडेट देने के लिए। बर्फबारी के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोरी बद्रीनाथ धाम पहुंची और वहीं अध्यक्ष ने बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद माड़ा गांव का भी भ्रमण किया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोरी भूषण ने ही सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है। उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया है और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। Thank you.
आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम भारत के पहले गांव अमाणा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे, इस प्रार्थना ऐसी प्रार्थना मैंने प्रदीप शाह जी से की। और आज यहाँ पर पहुँची हूँ पहले गाँव भारत के और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।